दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल पे अकाउंट को किस तरह से बना सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको भी अपने बैंक अकाउंट से अपने मोबाइल फोन का यूज करके कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर करने हो या फिर आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करने हो और अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो इन सभी कामों को करने के लिए गूगल पे एक बहुत ही आसान एंड सेफ ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप भी गूगल पे अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोग गूगल पे अकाउंट को बना सकते हैं, चलिए हम इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को गूगल पे एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधा अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे। यहां पर आपको गूगल पे सिक्योर UPI पेमेंट नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो इसे आप लोग अपने फोन में यहां से इंस्टॉल कर लेंगे। गूगल पे एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेने के बाद में आप सभी को जो ओपन वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करके इसे आप लोग अपने फोन में ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन की परमिशन को अलाउ कर देना है। नोटिफिकेशन की परमिशन को अलाउ कर देने के बाद में आप सभी को यहां पर मोबाइल नंबर को एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, वही मोबाइल नंबर एंटर करें जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देने के बाद में आप सभी को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी आप सभी को यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहां पर गूगल पे अकाउंट में कोई दूसरी ईमेल आईडी को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन में जितनी भी ईमेल आईडी लॉगिन होंगी सभी आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो जिस भी ईमेल आईडी को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप लोग उस ईमेल आईडी को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी को यहां पर सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की साइड में आप सभी को एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर आप सभी को एक OTP रिसीव होगा। OTP रिसीव होने के बाद में ऑटोमेटिक ही यहां पर फिल हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं OTP यहां पर ऑटोमेटिक फिल होकर के हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है। सो गाइज यहां पर गूगल पे एप्लीकेशन को मैं पहले भी यूज कर चुका हूं, इसमें बैंक अकाउंट को मैं ऐड कर चुका हूं, तो जो भी मेरे बैंक अकाउंट हैं वो मुझे यहां पर सजेस्ट किए जा रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो इन बैंक अकाउंट को यहां से भी एक्टिव कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको बताना है कि आप जो है किस तरह से गूगल पे एप्लीकेशन में अपने एक न्यू अकाउंट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सिंपल नोट नाउ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद में गूगल पे एप्लीकेशन के होम पेज का इंटरफेस मेरे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर हमें गूगल पे एप्लीकेशन में पेमेंट करने के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर गूगल पे एप्लीकेशन में इन सभी ऑप्शंस का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारा बैंक अकाउंट गूगल पे एप्लीकेशन में सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को इसमें ऐड करेंगे। अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आप सभी को ऊपर के साइड में प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें यहां पर बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम यहां पर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं मेरे जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो मुझे यहां पर देखने को मिल चुके हैं। अब यहां पर गूगल पे एप्लीकेशन को मैं पहले भी यूज कर चुका हूं, इसमें बैंक अकाउंट पहले भी मैं ऐड कर चुका हूं, इसीलिए हमारे जो बैंक अकाउंट हैं वो यहां पर मुझे सजेस्ट हो रहे हैं और एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब आप लोग फर्स्ट टाइम गूगल पे एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए इस वाले सेक्शन में आएंगे तो आप सभी को यहां पर कोई भी बैंक अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग अपने एक न्यू बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सभी को यहां पर जितने भी बैंक के होंगे सभी बैंकों के नेम आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसे आप लोग यहां से सर्च कर लेंगे और सर्च कर लेने के बाद में उसे आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो HDFC बैंक में है, तो हम यहां पर HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम परमिशन को अलाउ करेंगे और फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन को अलाउ करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो फोन नंबर है वो वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स को फेच कर लिया गया है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर HDFC बैंक के दो अकाउंट आ चुके हैं, क्योंकि मेरे HDFC बैंक में दो अकाउंट हैं, एक करंट दूसरा सेविंग, तो इसीलिए दोनों बैंक अकाउंट यहां पर आ चुके हैं। लेकिन अगर आपका HDFC बैंक में सिर्फ सिंगल अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, तो आपका सिंगल अकाउंट ऑटोमेटिक यहां पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जैसे कि मुझे यहां पर अपने सेविंग वाले अकाउंट को इसमें ऐड करना है तो इसके लिए मैं यहां पर इसे सेलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहां पर इंटर योर डेबिट ATM कार्ड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो आप सभी का जो भी बैंक अकाउंट है उसके साथ में आप सभी को जो भी ATM मिला था उस ATM का जो भी नंबर होता है तो उस ATM के नंबर में से आप सभी को लास्ट के 6 डिजिट नंबर को चेक करके यहां पर एंटर कर देना है और अपने ATM की एक्सपायरी डेट को आप सभी को यहां पर एंटर कर देना है।
और इसके बाद आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर आप सभी को एक ओटीपी रिसीव होगा। आप लोग यहां पर देख सकते हैं ओटीपी रिसीव हो चुका है और हमारा ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिक फिल भी हो चुका है। तो आप सभी को सिंपल नीचे की साइड में जो चेक मार्क का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने एटीएम के पिन को यहां पर एंटर कर देना है और इसके बाद आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सेट फोर डिजिट यूपीआई पिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप सभी को यहाँ पर अपने यूपीआई पिन को सेट कर लेना है। इस यूपीआई पिन की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब भी आप लोग कहीं पर भी गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तब आप लोग इस यूपीआई पिन को फिल करेंगे और पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं और अपने यूपीआई पिन को सेट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही सेम यूपीआई पिन आप लोग यहां पर एंटर कर देंगे और इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुल गूगल पे एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। गूगल पे एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को सक्सेसफुल ऐड कर लेने के बाद में आप सभी को इसके होम पेज पर आ जाना है और आप सभी को यहां पर इसके होम पेज पर पेमेंट करने के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करनी हो तो आप लोग यहां पर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद परमिशन को अलाउ करेंगे और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग यहां से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद पे एनीवन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग किसी भी यूपीआई आईडी पर या फिर आप लोग किसी के भी मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके मोबाइल नंबर को आप लोग यहां पर एंटर करके उसके बैंक अकाउंट में पैसे आप लोग यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर बैंक ट्रांसफर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी के भी बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हो तो इसे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप रिसीवर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि रिसीवर का जो बैंक अकाउंट नंबर है उसे आप यहां पर एंटर करेंगे, उसके बैंक ब्रांच के आईएफएससी कोड को यहां पर एंटर करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जितने भी पैसे आप लोग उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट एंटर करेंगे। इसके बाद अभी हमने जो भी अपना यूपीआई पिन सेट किया था उस यूपीआई पिन को फिल करके पैसे हम सीधा भेज देंगे। अब यहाँ पर हमें गूगल पे एप्लीकेशन में अगर हमें अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक करना हो तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें चेक बैंक बैलेंस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी हमने यूपीआई पिन सेट किया था उसे हम यहां पर एंटर कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से गूगल पे में अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, पैसे आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं।